आज हम कर रहे हैं यहाँ पे अनबॉक्सिंग और रिव्यू अल्टीमेट ईयर्स के नए स्पीकर वंडरबूम 2 का। इंडिया में अभी ये वाले जो स्पीकर है वंडरबूम 2 लॉन्च नहीं हुए हैं, थोड़े ही दिनों में लॉन्च होने वाले हैं, बट मेरे पास आ गई है यहाँ पे अर्ली रिव्यू यूनिट। तो इसको निकालते हैं बॉक्स से बाहर और देखते हैं कैसे हैं ये वाले स्पीकर। अल्टीमेट ईयर्स के आज तक कोई भी स्पीकर मैंने यूज नहीं किया है, पहला स्पीकर है मेरे लिए। ऊपर ही आपको मिल जाएगा अल्टीमेट ईयर्स। जिनको नहीं पता, लॉजिटेक के साथ मैं पार्टनरशिप में हूँ काफी टाइम से और लॉजिटेक का ही ये ब्रांड है अल्टीमेट ईयर्स। तो अभी थोड़े दिन पहले मैंने उनसे बात की कि यार कोई प्रोडक्ट नया आ रहा है तो बताओ, और ये था नया प्रोडक्ट। वैसे भी स्पीकर्स हो गए, स्मार्टफोन्स हो गए, इनके लिए हमेशा एक्साइटेड रहता ही हूँ मैं। और यहाँ पे भी एक टेप है जिसको शायद कुछ इस तरीके से खोलना पड़ेगा। तो टेप हमने कट कर दी है क्योंकि हर बॉक्स जो है यहाँ पे आजकल गैजेट का नए तरीके से खुल रहा है। आपको कुछ नहीं पता कहाँ पे कौन सी होती है, और नीचे ही यहाँ पे आपको दिख जाएगा आपका स्पीकर। मेरे पास है ब्लू कलर, चार कलर यहाँ पे आपको और मिल जाते हैं। वो सारी चीज अगर आपको जाननी है तो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक, आप उस लिंक पे जाके चेक कर सकते हो। और स्पीकर को निकालूं अगर मैं बाहर, तो ये है यहाँ पे हमारे पास हमारा स्पीकर वंडरबूम 2। इससे पहले जो अभी तक चल रहा था वो था वंडरबूम 1, जो ओरिजिनल वंडरबूम स्पीकर है। ये उसका सेकंड वर्जन है। कितना बेटर है, कितना नहीं, क्या डिफरेंसेस है, वही आपको बताऊंगा आज इस वाली वीडियो में। तो इसको रख देते हैं अभी साइड में। और बॉक्स के अंदर क्या है, बॉक्स के अंदर ज्यादा कुछ भी नहीं है, थोड़े से प्रोडक्ट मैनुअल्स हैं जिनको मैं बाहर निकाल लेता हूं और बॉक्स को रख देते हैं अभी हम साइड में। तो यहां पे है आपकी चार्जिंग केबल, अगर मैं इसको निकालूं बाहर, USB-C है। तो USB-C नहीं है, USB-A टू माइक्रो USB है। तो पता नहीं क्यों यार USB-C क्यों नहीं कर रहे, अब तो सारे गैजेट्स को कर देना चाहिए USB-C, बट चलो कोई बात नहीं। और यहाँ पे है कुछ प्रोडक्ट मैनुअल्स की किस तरीके से उसको सेटअप करना है। तो अब लेके आते हैं अपने स्पीकर को बीच में, और यहाँ पे है हमारे स्पीकर। तो इसके रैप को निकालते हैं, और यहाँ पे इन्होंने रैप के ऊपर ही बताया हुआ है, ये जो बीच वाला बटन है, पहले यहाँ पे अल्टीमेट ईयर्स लिखा हुआ होता था जो फर्स्ट जनरेशन थी, बट यहाँ पे ये जो एक्शन बटन है इसके ऊपर अब वो चीज़ नहीं है, आप इसको प्रेस कर सकते हो। ये वाला जो बटन है ये है ब्लूटूथ पेयरिंग के लिए, और नीचे वाला है ऑन या ऑफ करने के लिए। और इस साइड पे ये जो दो बटन है ये तो बहुत ही ऑब्वियस है, ये है वॉल्यूम अप, ये है वॉल्यूम डाउन। और इसके नीचे एक स्पेशल बटन है, ये वाले बटन को दिखाने से पहले रैप को निकाल देते हैं। तो ये जो आप बीच में बटन देख रहे हो जहाँ पे ट्री बना हुआ है, ये है इनका आउटडोर मोड। ये आप तब यूज कर सकते हो जब आप बाहर हो, या जब आपको आपके स्पीकर से ज्यादा तेज वॉल्यूम चाहिए तो आप ये वाले बटन को दबाओ और आपके स्पीकर की जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगी ऑटोमेटिकली। और उसके साथ ही यहाँ पे आपको एक चीज दिख रही होगी, अगर मैं इसको साइड को करूं तो यहाँ पे होगा आपका चार्जिंग पोर्ट। तो बिल्कुल यहाँ पे है आपका माइक्रो USB चार्जिंग के लिए। USB-C होता तो ज्यादा अच्छा होता, बट चलो कोई बात नहीं, बट यहाँ पे आपको मिल रहा है माइक्रो USB। और डिफरेंसेस की बात कर ही रहा हूं तो यहाँ पे ये वाली जो लूप है अब काफी ज्यादा आप इसको खींच सकते हो, और उसके अलावा यहाँ पे ऊपर भी आपको ब्रांडिंग मिल जाएगी। जो वंडरबूम 1 है वहां पे ये चीज आपको नहीं मिलेगी। तो ये तो हो गए बेसिक से डिफरेंसेस, उसके अलावा यहाँ पे क्या खास है अब वो आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे अनबॉक्सिंग आपने देख ली और मैंने बता दिया कि यहाँ पे कौन कौन से बटन मिलते हैं। सबसे पहले जितने भी लोग यहाँ पे वीडियो देख रहे हैं, अगर आपके पास हेडफोन्स हैं, ज्यादातर जो मेरे यूजर्स हैं वो मोबाइल से ही वीडियो देखते हैं, तो प्लीज हेडफोन्स पहन लो, क्योंकि इसके बाद जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ क्लिप, वहां पे मैंने इसको बाहर रख के म्यूजिक चलाया। पहले नॉर्मल म्यूजिक है, उसके बाद जो इसका आउटडोर मोड है मैंने वो ऑन किया है, तो आप लोगों को जो डिफरेंस है वो पता चलेगा तभी जब आपने हेडफोन्स लगाए हुए होंगे। फुल 360 साउंड मिलता है ये वाले स्पीकर्स में। अब यहाँ पे इसका जो आउटडोर मोड है उसको ऑन कर देते हैं। तो म्यूजिक क्वालिटी तो आपने सुन ही लिया और आपको पता चल गया होगा कितना ज्यादा फाड़ू है ये वाला स्पीकर। अब अगर मैं बात करूं इस वाले स्पीकर की, क्योंकि ब्लूटूथ स्पीकर है और इसको बनाया गया है बाहर यूज करने के लिए, आउटडोर्स में जब आप जाते हो तब आप इसको अपने साथ कैरी करो, तो सबसे इंपॉर्टेंट दो ही चीजें होती है, पहला है बैटरी लाइफ, दूसरा होता है वेट। तो इसके अगर वेट की बात करूं तो 420 ग्राम है इसका वेट। और अब अगर मैं बात करूं बैटरी लाइफ की, तो पहले जो वंडरबूम आता था उसमें हमें मिलती थी 10 घंटे की बैटरी लाइफ, इसमें अब 3 घंटे और ऐड कर दिया, यानी कि 13 घंटे की बैटरी लाइफ मिलती है हमें वंडरबूम 2 में। तो यहाँ पे एक और चीज जो मुझे बहुत ज्यादा स्पेशल लगी, क्योंकि ये वाले जो वंडरबूम के स्पीकर्स हैं, इनको जो पंजाबी में बोलते हैं ना धक्का कर सकते हैं किसी चीज के साथ, तो इनके साथ जितना भी धक्का करो ये कहीं नहीं जाने वाले, चाहे आप इनको फेंक के मारो तो भी कुछ नहीं होता। ड्रॉप टेस्ट इनके बहुत सारे हैं, और इसको भी अगर आप 5 फीट से नीचे फेंकते हो तो इसको कुछ भी नहीं होगा। एक टेस्ट मैंने यहाँ पे किया है, पानी वाला टेस्ट। तो ये वाले जो स्पीकर्स हैं पानी के अंदर भी अगर आप इनको डुबो दोगे तो डूबते नहीं है, पानी के ऊपर तैरते रहते हैं और म्यूजिक इनमें चलता रहता है। तो एक ऐसा ही छोटा सा टेस्ट मैंने किया है, वो वाली वीडियो अभी आप देखो। तो यहाँ पे है मेरे पास स्पीकर, अभी म्यूजिक चलाते हैं और टब के अंदर फेंकते हैं और देखते हैं उसके बाद ही चलता है या नहीं, क्योंकि वंडरबूम का जो नया वाला स्पीकर है इसको ये लोग बोल रहे हैं अगर पानी में भी फेंकोगे तो फ्लोट होता रहेगा, यानी कि डूबेगा नहीं, तैरता रहेगा। तो उसी चीज को चेक करते हैं, म्यूजिक चलाता हूं यहाँ पे और ये गया पानी में।
म्यूजिक अभी भी। तो ये वाली चीज ने मुझे काफी ज्यादा इंप्रेस किया, जो यहाँ पे ये पानी के अंदर डूबते नहीं है। इससे पहले कोई भी ऐसा स्पीकर नहीं देखा जिसमें ऐसा कोई फीचर हो। वंडरबूम या अल्टीमेट ईयर्स के जो स्पीकर्स हैं, काफी टाइम से मेरी नजर में था, जब भी स्टोर में जाता था चला के जरूर देखता था, बट आज पहली बार रिव्यू कर रहा हूं और बहुत ज्यादा फेमस है। इंडिया में जो अभी सेकंड वर्जन है थोड़े दिनों में लॉन्च हो जाएगा। यहाँ पे जो इसका अभी प्राइस चल रहा है यूएस में, वो चल रहा है अभी 79.99। यूजुअली $99 के सेल होते हैं मार्केट में, बट अभी डिस्काउंट चल रहा है तो 79 के आपको मिल जाएंगे। और जब इंडिया में लॉन्च होंगे तो 7,000 से 8,000 के बीच में होगा का प्राइस। एक कमेंट जो बहुत ज्यादा कॉमन आता है ब्लूटूथ वाली चीजों को लेके, चाहे वो हेडफोन्स हो चाहे वो स्पीकर हो, कि भाई इसकी रेंज कितनी है। तो 100 फीट की रेंज है ये वाले स्पीकर्स की, तो 100 फीट तक आप इसको बड़े ही मजे से चला सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। म्यूजिक बहुत ही कमाल का इसमें बजता है। तो जैसे कि मैंने पहले क्लिप में भी दिखाया था, जब मैंने आपको साउंड क्वालिटी चेक करवाई थी, तो आप किसी भी डायरेक्शन में हो फुल 360 साउंड आपको ये वाले स्पीकर्स में मिलता है। और ये वाले जो स्पीकर्स है, अब इनमें इन्होंने नई चीज डाली है जो पहले वाले वर्जन में नहीं मिलती थी, वो है TWS ट्रू वायरलेस स्टीरियो। तो यहाँ पे अब आपके पास अगर ऐसे दो स्पीकर हैं तो आप उनको कनेक्ट करके स्टीरियो की तरह से यूज कर सकते हो, लेफ्ट एंड राइट स्पीकर की तरह से। पहले भी दो स्पीकर को आप कनेक्ट करके ऑडियो चला सकते थे, बट पहले स्टीरियो वाला चीज नहीं थी, एक ही म्यूजिक बजता था। बट अब यहाँ पे आप डिफरेंशिएट कर सकते हो लेफ्ट एंड राइट में और स्टीरियो का मजा ले सकते हो ये वाले स्पीकर से। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो मेरे हिसाब से बहुत ही कमाल के स्पीकर है। अगर आप बहुत ज्यादा घूमते हो, अपनी कार में भी रखना चाहते हो तो इसको रख सकते हो, बीच वगैरह पे जाते हो अगर आप कैलिफोर्निया से तो जरूर ले लेना, क्योंकि बीच पे हम सब जाते ही हैं। और गीला हो, कहीं से भी गिरे, इसको कुछ भी नहीं होने वाला है। बहुत ही कमाल के स्पीकर है वंडरबूम 2 अल्टीमेट ईयर्स के। और ये थी मेरी वीडियो अल्टीमेट ईयर्स के वंडरबूम 2 स्पीकर्स पे। आई होप आपको ये वाली जो वीडियो है काफी ज्यादा पसंद आई होगी। और अब इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे करता हूं खत्म। और वीडियो को खत्म करने से पहले अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से करो सब्सक्राइब, लाइक करो इस वीडियो को, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। और क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, क्या देखना चाहते हो चैनल पे, वो करो कमेंट, मुझे रहेगा आपके कमेंट्स का इंतजार। और अब इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे करता हूँ खत्म। अब आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।